बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं परमानंद प्रभात। अभी हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत हम अभी खड़े हैं और यहां हम कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, जितने भी लोग बैठे हैं ये सब कोचिंग संचालक हैं, निजी विद्यालय संचालक हैं ये लोग। और इन लोगों को आज क्या प्रतिक्रिया है, ये लोग बैठ कर के अपने में विचार कर रहे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुमार गुप्ता, कुशाग्रह स्मार्ट स्कूल हसनपुर से। जी सर, कोरोना काल में पिछले साल तो एक साल एक तरह से डिस्टर्ब हो गया है, बच्चे लोग का पढ़ाई जो भी है सब खत्म एक तरह से हो गया है, बहुत ज़्यादा पीछे हो गया बच्चे लोग। अब इस बार फिर से सरकार 11 तारीख तक दिया था कि स्कूल बंद करने के लिए, उसके बाद फिर इसका टाइम बढ़ा के 18 तारीख कर दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपके? देखिए, कोरोना का की विभीषिका जो है, जिससे सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार ने नीतिगत जो निर्णय लिया था पिछले साल, सारे कोचिंग संस्थान, सारे निजी विद्यालय सरकार के साथ खड़े होकर के हम लोगों ने पूरे साल बंद रखा। हमारे बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार तक खत्म हो चुका है। अब इस देश में लगातार बंद, एक साल बंद होने के बाद भी फिर जैसे ही सरकार ने चरणबद्ध तरीके से खोलने का शुरुआत किया, विद्यालय को ओपन 1 मार्च से उनकी घोषणा हुई और हम लोगों ने विद्यालय को स्टार्ट किया। कम से कम ये आशाएं बंधी हुई थी कि चलो बच्चे की शिक्षा फिर से पटरी पर वापस आ रही है, हम लोगों की ज़िंदगी भी फिर पटरी पर वापस आ रही है। लेकिन सडन से सिर्फ शिक्षण संस्थान को बंद करने का जो आदेश पारित हुआ है 11 तक, तो कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार के नोटिस को देख रहे हैं तो थोड़ा सा उपावह की स्थिति में हम लोग खुद उलझन में पड़े हुए हैं। ये कैसा नीतिगत फैसला है? मैं अभी आपको गृह विभाग का एक लेटर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बिहार सरकार की गृह विभाग विशेष शाखा का एक लेटर है, जिसके पॉइंट 4 और 5 में भली भांति उन्होंने इंगित किया है कि सभी सिनेमा हॉल बैठने के निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता 1000-2000 की होती, अगर 50% लोग मौजूद होते हैं और सिनेमा हॉल संचालित होता है, यानी 500 से 1000 आदमी वहां से इंटरटेनमेंट के लिए मौजूद हो सकते हैं। यानी ये उस राज्य उस देश के हम निवासी हैं जहां इंटरटेनमेंट के लिए 50% आबादी के साथ हम सिनेमा देख सकते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान हम 50% आबादी के साथ हम नहीं खोल सकते, क्योंकि हमारी प्राथमिकता इंटरटेनमेंट है, हमारी प्राथमिकता शिक्षा नहीं। इसके पैरा 5 में आपको दिखाता हूं कि सभी पार्कों और उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य है। यानी आपके पार्क खुले हुए कोविड के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, आपके पार्क खुले हुए हैं, आपके उद्यान खुले हुए हैं, मास्क लगा के आप पार्क में घूम सकते हैं, उद्यान में जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिसिप्लिन जो विद्यालय के बच्चे होते हैं, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित विद्यालय में बच्चे होते हैं, वो कोविड के प्रोटोकॉल्स को भली भांति समझते हुए उसका पालन कर सकते हैं, उन्हें बंद रखा जाता है। तो सर, हमारे देश में, हमारे राज्य में एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है, पार्कों में घूमने की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता लगता है कि यहाँ पे समाप्त होती जा रही है। हम अपनी वेदना किनसे कहें? जिन पदाधिकारी के पास जाएंगे उनके पास सीधा यही जवाब मिलेगा कि हमें ऊपर से ऐसा आदेश है, उसके बाद उनके ऊपर से ऐसा आदेश है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम लोग करें क्या। सवाल निजी विद्यालय को खोलने का नहीं है, हम सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं खड़े हैं, हम सरकार से विनती करते हैं कि जब आप विद्यालय को बंद रखे हुए हैं, पार्क खोल सकते हैं, सिनेमा घर खोल सकते हैं, बाजार खुला हुआ है, तो उसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उसी कोविड के नियमों को पालन करते हुए भी हमें विद्यालय को भी खोलने का, शिक्षा को भी पुनर्जीवन देने का आदेश दिया जाए, ताकि हम लोग, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, शिक्षा के मौलिक अधिकारों से वंचित। मेरा नाम नीरज कुमार निरंजन हुआ, शांति जूनियर स्कूल से हमें,
और अभी हम लोगों की यही स्थिति है कि पिछले एक साल से हम लोगों का स्कूल कंप्लीट बंद रहा। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल खोलना, बंद होने के बाद फिर से रीओपन करना स्कूल को, एक हम लोगों को बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक समस्या है, क्योंकि हर चीज़ वन ईयर में लगभग कंप्लीट नष्ट हो जाता है और वन ईयर के बाद अगर आप फिर उसको स्टार्ट करते हैं तो फिर उतना ही एफर्ट चाहिए उसको स्टार्ट कर। हम लोगों ने स्टार्ट किया, जैसा आदेश आया उसके हिसाब से हम लोगों ने स्टार्ट किया स्कूल को, लेकिन अचानक हम लोगों के पास आता है इन्फॉर्मेशन, लास्ट समय तक था कि स्कूल बंद नहीं होगी, स्कूल चलता रहेगा। हम लोगों ने सारे लोगों ने बोला स्कूल चलता रहेगा, चलो, लेकिन अचानक लास्ट समय में आता है कि नहीं, स्कूल को जो है बंद कर दिया जाए। अब हम लोग क्या करें, एडमिशन का समय है, पेरेंट्स में भी प्रॉब्लम ये है कि स्कूल चलेगा नहीं चलेगा, एडमिशन लें नहीं लें, लेने के बाद का क्या होगा, हर दिन पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि आगे का क्या होगा, स्कूल आप कब खोल रहे हैं, पेरेंट्स तैयार हैं बच्चे को भेजने के लिए। हम लोग पूर्ण रूप से कोरोना के नियम का पालन करते हुए हर एक व्यवस्था स्कूल में मौजूद किए हुए हैं। आप कभी भी कोई भी जाके देख सकता है कि स्कूल में उतनी व्यवस्था मौजूद है कि नहीं है, हर व्यवस्था के साथ। हम लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट से हम लोग को ये चाहिए कम से कम 50%, 40%, 35% के साथ भी स्कूल को ओपन करने दिया जाए, या ऑड इवन लाके हम लोग को स्कूल को ओपन किया करने दिया जाए कि ऑड इवन में आप बच्चे को बुलाइए, लेकिन कंप्लीट बंद करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है स्कूल का। इससे हम लोगों का आर्थिक क्षति, और सबसे बड़ी बात हमसे जो जुड़े हुए हैं टीचर्स जुड़े हुए हैं, वर्किंग स्टाफ जुड़ा हुआ है, आज उनके घर में जाके देखिए क्या स्थिति है उन लोगों की, बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक एक सुई पर, जो वन ईयर से किसी तरह ये उम्मीद में था कि स्कूल खुलेगा तो हम लोग का स्थिति अच्छा होगा, उसके यहाँ घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब कितना दिन तक स्कूल उसको सर्वाइव कर सकता है, ना उसके पास कोई रोजगार है, रोजगार सारा खत्म हो रहा है। हमसे जो 10 स्टाफ जुड़े हुए हैं, 10 शिक्षक जुड़े हैं, हम कितने दिन तक उनको अपने यहाँ से सैलरी दे सकते हैं, अंत में वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, वो भी बेरोजगार होकर काम करेंगे। तो ये हम लोगों का मांग है कि हम लोग को खोलने दिया जाए, आप गाइडलाइन दीजिए 50-35 के हिसाब से, उस तरह से हम लोग खोलें स्कूल, यही हमारा कहना है। और भी टीचर लोग हैं सर, आप कौन सा स्कूल से हैं? मेरा नाम परमन सिंह है और हम विराट पब्लिक स्कूल से हैं। तो क्षेत्र में ही आते हैं? जी जी, हसनपुर क्षेत्र रजवा मेरा विद्यालय है। तो 3-4 बिंदु है सर, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कि पहला ये है कि सरकार को, यह सरकार की ऐलान रहती है कि हम रोजगार देंगे और शिक्षा सुदृढ़ करेंगे, तो यहाँ पे सरकार की नीति विपरीत हो गई कि विद्यालय को बंद रखना है और रोजगार देंगे। तो अब ये बताइए कि एक विद्यालय से कम 15-20 स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का डेली का उसका चूल्हा चक्की चलता था, वो तो बंद है, पड़ा हुआ है, हमारी छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ कि एक साल कंटिन्यू हमने सरकार का प्रतीक्षा करता रहा, सर अब विद्यालय खोलेंगे, अब आदेश आएगा, अब आदेश आएगा, और उतना धैर्य राम भी नहीं किए थे समुद्र किनारे, 3 दिन तक ही धैर्य दिखाए थे, लेकिन हमारे शिक्षक बंधु ने पूरे साल लगा दिया, आशा में लगा दिया, और पुनः फिर वही समय आ गया। तो हम लोग सोचे क्यों नहीं अपनी एक छोटी सी आंदोलन करके सरकार तक ये आवाज़ उठाएं कि नहीं, इस पे भी जरा विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में वो विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी संतोष जी ने बताया गाइडलाइन आई है, सिनेमा हॉल चालू रहेगा, पार्क चालू रहेगा, फिर स्कूल पे भी तो कोई बिंदु आने चाहिए। हम लोग की मीटिंग ये विरोध सरकार की नहीं हो रही है, सरकार से हम लोग अनुनय विनय कर रहे हैं, गिर-गिरा रहे हैं कि हमारा विद्यालय खोलने का कोई प्रोटोकॉल बताए कि कैसे हम खोलें। इसके लिए हम लोग मीटिंग बुलाए ताकि इसके कारण क्या है, बच्चे का जो बच्चा आज मेरे यहाँ 2 क्लास से 3 क्लास में जाता, एक लॉकडाउन हो गया पूरे साल की, तो 3 क्लास तो लेफ्ट चला गया। अब उस सरकार का आदेश है उसको फेल भी नहीं करना है, उसको 4 क्लास में करना है, तो 4 क्लास में करना है उसको पढ़ाने के लिए सरकार की परेशानी नहीं है, वो टीचर उस परेशानी को झेल रहा है कि लड़के को अब 4th कैसे पढ़ाएं, क्योंकि वो 3 कंप्लीट नहीं कर चुका है और पुनः फिर लॉकडाउन लगा दिए। तो अब ये भविष्य को आप अंधकार में डाल रहे हैं या उसका भविष्य बना रहे हैं, कोरोना से बचा रहे हैं, सरकार से यही अपील हमारी है और विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे बस। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार, ज्ञानोदय विद्या मंदिर हसनपुर से है। देखिए,
मैं विवेकानंद की एक उक्ति से अपनी बात को शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जब किताबें सड़क पर बिकने लगेंगी और चप्पल जूते का शोरूम होगा तो समझ लेना कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न स्तर पर चला जाएगा। शायद आज यही चरितार्थ हो रहा है। हम लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। पहली सरकार हमको कहती है कि विद्यालय बंद रखिए, अभिभावक कहते हैं कि सर हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे बच्चे क्या कहते हैं इधर से उधर घूमते रहते हैं, इधर से उधर जाते आते रहते हैं। विद्यालय में कम से कम बच्चा हमारा नहीं भी पढ़ता है तो कम से कम सुरक्षित तो है, वह घर से ज़्यादा सुरक्षित हमारे विद्यालय में है। और हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, सरकार हमको क्या समझती है, हम लोग संवेदनहीन है। शिक्षक समुदाय हम लोग सबसे प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, हम लोग की संवेदना सबसे अधिक है उन बच्चों के प्रति। हम लोग किसी के जान को जोखिम में डालकर अपने विद्यालय को चलाने में विश्वास नहीं रखते। हम लोग उन बच्चे के हित को देखते हुए अपनी जीविका, हमारी जीविका है, हम उस पर निर्भर हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो हम पर निर्भर हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों पर सरकार इसी तरह अंकुश लगाती रही तो शायद शिक्षा भी नहीं रहेगा, शिक्षक भी नहीं रहेंगे, और इस राज्य का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही इसका निराकरण कर सकेगा। मैं तो यही कह सकूंगा। मैं सरकार से एक विनती करता हूं कि हम लोगों को भी COVID-19 के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए 30% के साथ ही विद्यालय चलाने का हम लोग को आदेश जारी करे, ताकि बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, हम लोगों की भी जीविका चलती रहेगी और इस राज्य के बच्चों का भविष्य भी लगातार बनता रहेगा। सर लास्ट एक क्वेश्चन आपसे हम करेंगे। जैसे बच्चा स्कूल 5 दिन आया, उसके बाद फिर लॉकडाउन के कारण सरकार बंद कर दिया है, उसके बाद फिर खुला है, तो क्या 5 दिन या 10 दिन पढ़ाई किया उस स्कूल में, उसके बाद उसका गार्जियन पूरे महीने का मंथली दे पाएगा? सर पूरे महीने की मंथली की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोविड की समस्या से सारी जनता त्रस्त है, जो पिछला बकाया नहीं दे पा रहे हैं, अभी जो 1 महीने का जो विद्यालय संचालित हुआ वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम टुकड़ों में 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलाएंगे तो इसका पैसा तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स देने को तैयार हैं, और ना ही किसी भी विद्यालय के संचालक की संज्ञा इतनी शून्य हुई है कि 2-4-5 दिन के पैसे के लिए भी वो डिमांड करें। हम लोगों ने, हाँ हो सकते हैं बड़े स्कूल, बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत तरह की डिमांड होती है, लेकिन हम लोग जहाँ तक महसूस कर रहे हैं कि किसी भी विद्यालय की संज्ञा अभी इतनी शून्य नहीं हुई है कि वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन या बंद पीरियड का कोई पैसा डिमांड करते हैं। अब रही बात समस्या, हम यहाँ देखें, हम तो डिमांड नहीं कर पाते, हम तो लेने में भी हिचकिचाते हैं, वहाँ जहाँ पर हमारा कार्य नहीं, हम नहीं ले पा रहे। सरकार ने, हम लोग, हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास जो वैन है, गाड़ी चल रही है, वो कहीं ना कहीं किसी फाइनेंसर कंपनी से किस्त पे उठाई गई। सरकार ने सितंबर महीने तक हम लोगों को एक रीएम्बर्स दिया था, फाइनेंसर कंपनी को कहा गया था कि आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, कुछ समय के बाद अक्टूबर से उन्होंने किस्त को फ्री कर दिया। हर विद्यालय के पास 4-5 गाड़ी है, यानी 50-60 हज़ार रुपया महीने की किस्त। अक्टूबर महीने के बाद विद्यालय लगातार बंद ही है, सरकार ने तो अक्टूबर से फाइनेंसर कंपनी को फ्री कर दिया, लेकिन हमारे पास उनको पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं है, बच्चे आएंगे तभी तो पैसे देंगे। और ये अक्टूबर महीने के बाद ये 6 महीने का पीरियड बीत चुका है, सारी फाइनेंसर कंपनी ने विद्यालय को नोटिस भेजना चालू कर दिया, कुछ फाइनेंसर कंपनी ने केस कर दिया। मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा कि वो कहते हैं कि 100 शरीर मुंबई में पहुंचिए तो इसका निपटारा होगा, अन्यथा हम गाड़ी घींच लेंगे, तमाम तरह के आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कोविड पीरियड में क्या हसनपुर से एक विद्यालय संचालक उनके नोटिस का जवाब देने के लिए मुंबई जाएंगे? आप जाने का साधन भी नहीं देंगे, हमारी गाड़ी फाइनेंसर कंपनी आके घींच के ले जाएगी। अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर आप विद्यालय संचालित करने के लिए कहते हैं और हमारे लाखों की संपत्ति, हमारी गाड़ी, मेहनत की कमाई जो हमने उस गाड़ी के लिए संजो के रखी थी, वो जब हमसे फाइनेंसर कंपनी छीन ले जाएगी, तो सर हम विद्यालय चला पाएंगे?
क्या आप हमारे अस्तित्व को समाप्त करने के लिए एक गहरी साजिश ना समझे? हम कहां हमारी दर्द और वेदना को समझने के लिए कोई पदाधिकारी हैं? सिर्फ एक आदेश, बंद, और हम सब निरीह पशु के समान सरकार के आदेश का पालन करते हुए बंद। सर हमें जीने तो दीजिए। अरे मेरे लिए विद्यालय के लिए नहीं, हम विद्यालय संचालक बर्बाद भी हो जाएं तो कम से कम उस बच्चे पे तो रहम खाइए जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते, उस बच्चे पे, उस गार्जियन पे, उस अभिभावक पे, अपने समाज पे, अपनी शिक्षा व्यवस्था पे आप कुछ तो रहम खाइए। आप कहते हैं कि पूरा साल सारे शैक्षणिक संस्थान जब बंद रह गए तो आज मैट्रिक में इतना बेहतरीन रिजल्ट, हमारे बिहार के टॉपर हो रहे हैं। जब शिक्षा व्यवस्था बंद है, चौपट है, और मैट्रिक और इंटर का इतना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है, तो फिर शिक्षा की आवश्यकता क्या है इस राज्य में? सर आप सारे शिक्षण संस्थान को बंद कर दीजिए ना, हमारे बच्चे आत्मनिर्भर हो चुके हैं, वो मैट्रिक भी, इंटर भी, आईएएस आईपीएस भी बिना पढ़े ही बन जाएंगे। तो प्राइवेट संस्था क्यों, सरकारी संस्था, सारे संस्थानों को बंद कर दीजिए, या सबसे बेहतर यह चीज है कि शिक्षा का अधिकार समाप्त कर दीजिए, फिर हम लोग भी पकौड़े बेचे, सब्जी बेचे, या जीविका का कोई ना कोई साधन तो अर्जित कर ही लेंगे। शिक्षक समुदाय हैं, अब सब तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, गलत काम में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जीविका का साधन करेंगे। जब सरकार की ये मंशा है तो हम लोग इसी तरह चलेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार है, हम एकलव पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं, और आज हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं बस एक ही मुद्दा है, स्कूल कब खुलेगा। हम लोग इसी मुद्दा को लेके बैठे हैं, और सरकार के जो भी नियम आए हैं, जो भी रूल बनाए हैं उन्होंने, उनको हमने फॉलो किया। 6 तारीख को उन्होंने स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया और हमने बंद कर दिया। आज फिर 12 तारीख का डेट था, ये भी फेल हो गया। फिर 18 तारीख, बस इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर हम लोग बैठे हैं कि हम लोग क्या करें, हमारा स्कूल कैसे चलेगा, हम लोग का मान लीजिए आगे का फ्यूचर क्या होगा। बस इसी सब मुद्दा को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं, और सरकार से अपील है कि प्रोटोकॉल के साथ या जैसे भी हो हम लोग का विद्यालय जल्द से जल्द खुलवाए, जिस तरह से सभी काम हो रहे हैं उस तरह से हम लोग का भी काम हो और हम लोग का भी जीविका उपार्जन हो। आप क्या कहेंगे? मैं विवेक कुमार, कॉन्सेप्ट साइंस कोचिंग एंड आरआर पब्लिक स्कूल परिदा से हूँ। मैं सब जो यहाँ सभी स्कूल के संचालक यहाँ जमा हुए हैं, तो उनका सभी का मुद्दा यही है कि जल्द से जल्द स्कूल कोविड के प्रोटोकॉल से ही खुले, 30% के प्रेजेंटेशन के साथ ही खुले, लेकिन वे खुले, क्योंकि एक स्कूल से जितने भी जुड़े हैं सदस्य, वो सदस्य पूरी तरह स्कूल पे डिपेंड है। उनके कोई सरकारी वेतनमान नहीं है कि वो घर में भी रह के अपना जीवन उपार्जन कर सकते हैं, और हम लोग असमर्थ हो जाते हैं जब किसी तरह हम 1 महीना उनको मैनेज कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, लेकिन साल साल भर के बाद उनको मैनेज करना, उसमें हमें भी समर्थता नहीं रहती है। इसलिए मैं सरकार से यह नम्र निवेदन करता हूं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ ही स्कूल को खोलें, और मैं वो प्रोटोकॉल्स के निभाने में मैं हर संभव करूंगा, हर तरह से संभव करूंगा, और ऐसे हमारे सभी विद्यालय में जाकर जितने भी पदाधिकारी हैं वो जाकर वहाँ व्यवस्था को देखें, जितने भी संचालक हैं उनके सभी विद्यालय में वो सभी तैयार हैं कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ पढ़ाने के लिए, और मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द वो स्कूल खोलें। और क्या सर आपका क्या नाम? मेरा नाम ब्रिजभूषण कुमार हुआ, मैं प्रभास पब्लिक स्कूल से ही जो अहिलवाड़ पंचायत में पढ़ता है वहाँ से आए हुए हैं। तो इस COVID-19 को देखते हुए जो पिछले गत वर्ष हुई है, जो 1 सप्ताह के लिए 15 दिन के लिए हुई थी, इसी तरह बढ़ती गई, इस तरह करते करते 1 साल बीत चुकी है, और हम लोग उस इंतज़ार में थे कि स्कूल कब खुलेगी, और बच्चे लोग भी, पेरेंट्स लोग भी, नहीं सभी, सर स्कूल खोलिए, पढ़ाई नहीं हो रही है, इस चक्कर में है। लेकिन हम लोग सरकार के नियमों का पालन करते हुए इस आशा में है कि सरकार कब हमें सलाह दी या परामर्श देगी कि स्कूल खोलें,
और अब बच्चे को पढ़ाएं जिस नियम से कहेंगे, जो कोविड-19 का नियम होता है, कहेंगे सोशल डिस्टेंस का पालन करते, मास्क, सैनिटाइजर, ये सभी व्यवस्था करने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसके तरह पढ़ावें। और जहाँ तक कि जितने भी टीचर्स हैं, तो कुछ को अपना मकान है, कुछ एग्रीमेंट के तहत अपना जीविका चलाते हैं, तो कुछ होते हैं जो एग्रीमेंट के तहत हैं, वह एग्रीमेंट किए हुए हैं, ज़मीन जो मालिक होते हैं, मकान मालिक होते हैं, उनका कहना होता कि आपका विद्यालय चले या नहीं चले, हमको जो है मंथली फी होता है, जो रेंट कहा जाता है, वो हमें मिलना चाहिए, नहीं तो आप मेरा स्थान खाली कर दें। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इस तरह से नहीं हो, नहीं तो हम प्राइवेट शिक्षक जो भी हैं सभी भूखे मर जाएंगे। धन्यवाद। मनोम प्रकाश महतो, मैं एजुकेशन वर्ल्ड का डायरेक्टर हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप मेरी आवाज़ को सुनने के लिए और बुलंद करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बाधा तो हमें ये लग रहा है कि सरकार हमेशा बार बार कहती है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बेहद शिक्षा ज़रूरत होता है। लेकिन हमें अब तो ये लग रहा है कि शिक्षकों का और छात्रों का धीरे धीरे अस्तित्वहीन हो रहा है। हमें तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि आने वाले समय जो हैं कोविड-19 के कारण ये आत्मनिर्भर भारत नहीं बल्कि आत्मघात जो है शिक्षक पर होने वाला है, अर्थात आत्महत्या होने वाला है शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ। सभी अभिभावकगण काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चे जब सरकार कह रही है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उसमें शिक्षा ही नहीं रहेंगे, तो अर्थात आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा बेहद ज़रूरी है, इसलिए गार्जियनों का आवाज़ सबसे पहली सुना जाए, मेरी यही सरकार से नम्र निवेदन है। और मैं विशेषकर आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक ये ज़रूरत है। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं गोविंद कुमार, MB मिशन का निदेशक हूँ। तो अभिभावक का प्रेशर बन रहा मेरे ऊपर, सर बच्चे घर पे कुछ पढ़ नहीं रहे, एक साल तो वैसे ही बीत गया, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, और कह रहे हैं सरकार बोल रहे हैं कि आगे बढ़ा देने क्लास, आगे बढ़ाते हैं बच्चा बेस कमज़ोर होते जा रहा है, बच्चे को तो हम आगे बढ़ा दिए, पढ़ाई कुछ नहीं मिल रहा है, और ऊपर से फिर आदेश आ गया बंद करने का, बच्चे घर पर कोई पढ़ नहीं रहे, किसी का पहले से गाँव के बिलोंग कर रहे हैं, किसी बहुत गार्जियन जो पढ़े लिखे हैं अभिभावक, अब जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसका बच्चा क्या करेंगे घर पर, खेल धूप करते रहते हैं, कहते हैं कि आप स्कूल चलाइए, स्कूल चलाइए तो बच्चा वहाँ मेरा डिसिप्लिन में रहेगा, अब जैसा कहे वैसा हम बच्चा को भेजेंगे। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि स्कूल खोला जाए, अगर नहीं खोला जाएगा तो ऐसे ही एक साल से हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर हो चुका है कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, अगर इस तरह से बंद आदेश आते बढ़ते रहा तो कहाँ से हम खा पाएंगे, कहाँ से अपने स्टाफ को पेमेंट दे पाएंगे। एक मकान मालिक है, वो से छोड़ने के लिए तैयार नहीं, एक मंथ का फी, गाड़ी किस्त पे लिए हुए हैं, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट के साथ किस्त ले रहे हैं, कहाँ से भरपाई कर पाएंगे, अगर ये सब नहीं हुआ तो आत्महत्या करने से मजबूर हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। सर अभी जो आप लोग बैठक किए हैं उसके बाद क्या बैठक पूरे जो स्कूल संचालक हैं इसी तक रहेगा विचार विमर्श या आगे कुछ? नहीं, दरअसल एक्चुअली हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोग अपनी BO साहिबा संगीता मिश्रा जी हैं, उनके इंतज़ार में बैठे हुए, अभी हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को उन तक रखना चाहते हैं। और जो अभी हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि मैम आई और शायद किसी मतलब क्षेत्र में ही विभिन्न विद्यालयों का दौरा कर रही हैं वो, तो हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक वो अपना काम पूरा करके क्षेत्र का दौरा पूरा करके जब भी आती हैं तो उनसे मुलाकात करके हम लोग भी उनसे अनुनय विनय और विनती अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं।